एक तरफ कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए जीवन बूटी साबित हो रही, तो वहीं इसी वैक्सीन को लगवाने वाले एक शख्स ने दावा किया है कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद उनका शरीर चुंबक जैसा हो गया। घटना जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की है। इस व्यक्ति दावा है पहली डोज लगवाने के बाद से ही उनके शरीर पर चुंबक की शक्ति पैदा हो गई, जो किसी स्टील के बर्तन इत्यादि को शरीर में छूने मात्र से शरीर में चिपक रहा, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी लोहे से चुंबक चिपकता हो। उस शख्स ने इसका प्रमाण देते हुए वीडियो शूट करते हुए दिखाया है। कठुआ के रहने वाले बुजुर्ग ठाकुर के पाल सिंह 2 महीने पहले कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। डोज लगवाने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय अजीब शक्ति विकास हुआ। ठाकुर कृपाल सिंह कठुआ के वार्ड नंबर 17 कृपाल नगर में रहते हैं। मेरा नाम ठाकुर कृपाल सिंह, कहाँ रहने वाले? मैं वार्ड नंबर 17 कृपाल नगर कठुआ में रहता हूँ। बात 2 महीने पहले मैंने वैक्सीन करवाई थी, उसके बाद सब नॉर्मल रहा, जैसे मैं पहले था वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो रूटीन की तरह हम डेली सैर करने जाते हैं, हमारा ग्रुप है मॉर्निंग वॉक ट्रस्ट, सुबह सैर करते हैं, बाद में पीटी करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करके जब हम वापस घर पे आए तो मैंने देखा टीवी पे अलग अलग चैनलों पे एक शख्स का फ़ोटो दिखाई दे रहा था जिसके शरीर पे चम्मच लगे हुए थे। तो मीडिया वाले बोल रहे थे हो सकता है ये वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा हो, तो मैं हैरान हो गया एक शख्स के ऐसे चम्मच कैसे लग सकते हैं। मैंने अपने बेटे से बात की, बेटे जी क्या हो रहा है, ये अजीबोगरीब लग रहा है, वहाँ आप अंदर से चम्मच लाओ तो मुझे लगाओ। कहते पापा ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई करोड़ों में एक ही लोग होते हैं जो उनके होता है। मैंने कोई बेटे हमारा क्या जाएगा, ट्राई तो कर लो। कहता ठीक है, उसने 2 चम्मच लाए, दोनों लगाए और दोनों लग गए। वहाँ एक दर्जन चमचे और लाओ, बड़े बड़े भी लाओ। बेटे ने सभी चम्मच लाए, बड़े बड़े चम्मच भी लगाए, वो सभी ठहर गए। तो मैंने कहा सिक्के लगाओ, सिक्के हमारे इंडिया के जो प्राचीन सिक्के हैं वो लगाए, जो नए सिक्के हैं वो लगाए, सभी लगते गए। मैंने कहा बेटे एक वीडियो बनाओ, बेटे ने वीडियो बनाई, फिर मैंने वीडियो मीडिया वालों को शेयर की, अपने दोस्तों शेयर की, सारे अप्रिशिएट कर रहे थे, क्या यू आर आयरन मैन। मैंने कहा थैंक यू। तो जैसे मीडिया वालों को पता चल गया वो हमारे निवास स्थान पर आ गए, तो हमारा इंटरव्यू करने लगे, यही बात है। कैसा को मैं ये क्लियर नहीं बोल सकता वैक्सीन के बाद हुआ, क्योंकि इससे पहले हमने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया। तो ट्राई जो टीवी पे आ रहा है उसकी वजह से हम ट्राई कर रहे थे, तो हो सकता है ये वैक्सीन की वजह से हो या ना भी हो सकता है, ये हम क्लियर नहीं बता सकते, ये तो डॉक्टर लोग ही बता सकते हैं क्या इसका कारण है। कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद कोई शरीर में बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया मेरे शरीर में, कोई तकलीफ वगैरह दुख कोई ऐसा हुई? शुरू शुरू में थोड़ी कमजोरी हुई थी, बाकी सब ठीक। घर में किसी और पे भी ट्राई किया गया ऐसा? हाँ, मैंने अपने बेटे पे किया, अपनी वाइफ पे किया, मेरी धर्मपत्नी जी ने भी वैक्सीन करवाई है, उनके लगवाया था मैंने चम्मच लगाया, लेकिन उनके नहीं लगा। बेटे के ऊपर भी किया, नहीं की, और उनके ऊपर नहीं ठहरा। फिर हमारा एक पोता है छोटा, आज भी वहाँ बेटे आज भी एक बात सुनो, वो आया, वो छोटा है अभी, तो उसके ऊपर मैंने लगाया, उसके ऊपर भी नहीं लगा। थैंक यू सर। ये आपका नाम? ये मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है, और ये मेरे फादर हैं ठाकुर कृपाल सिंह। तो सुबह का एक वीडियो वायरल हो रहा था कि जो मेटल के जो बॉडी के साथ अटैच हो रहे हैं वो आफ्टर वैक्सीनेशन, तो पापा को वैक्सीनेशन लगा हुआ है, तो हमने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं। जब हमने सुबह ट्राई किया तो मेटल का पहले तो स्पून ट्राई किए तो स्पून अटैच हो गए, उसके बाद हमने लोहे की कीस अटैच की तो वो भी अटैच हो गई। तो उसके बाद मेरे ने सोचा कि यार ये मे बी यही मेटल सिर्फ यूज़ हो रहे हो और कोई मेटल अटैच ना हो रहा हो। तो मेरे पास कॉइन की कलेक्शन है पुराने विंटेज टाइप पुराने ना, तो वो हमने सारे ट्राई किए, कोई तांबे के सिक्के हैं, कोई एल्युमिनियम है, कोई चांदी के सिक्के थे, कुछ अलग अलग टाइप के सारे मेटल्स हमने ट्राई किए और सारे मेटल्स जो थे वो अटैच होना शुरू हो गए। तो हमें समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। तो पापा को वैक्सीन लगा हुआ है, मम्मा को भी लगा हुआ है, तो मैंने सोचा मम्मा को भी ट्राई करता हूँ कि उनको वैक्सीनेशन शायद उन पर भी ये इफेक्ट हो। जब मैंने उनको किया तो उन पर अटैच नहीं हुआ, ये सिर्फ फादर पर हो रहा था। उसके बाद मेरा मैंने वैक्सीनेशन किया नहीं अपना, मैंने ट्राई किया मेरे पर नहीं हुआ। तो मे बी ये एक जांच का विषय है कि ये जो अटैच हो रहे हैं जो वो सिर्फ डोज लेने वालों को ही हो रहे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन ली हुई है, जो नॉन वैक्सीनेशन वाले बंदे हैं उनको नहीं हुआ ये। तो एक जांच का विषय है कि ये क्यों हो रहा है। अब तो इससे जो डॉक्टर्स हैं वही बेटर तरीके से बता सकते हैं कि ये कैसे इसका ये क्या इफेक्ट्स क्यों हो रहे हैं। थैंक यू।
जिला कठुआ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक चौधरी भी कोरोना वैक्सीन के कारण ऐसी संभावना से मना करती हैं। वह कहते हैं कोरोना वैक्सीन का या कोई लेना देना नहीं, ऐसे कोई चुंबकीय गुण शरीर में वैक्सीन से उत्पन्न नहीं होती है। नहीं कर सकता वैक्सीन की वजह से इस किस्म की कोई शिकायत हो नहीं सकती है, ना ही यहाँ पे आई है और ना ही होने की कोई पॉसिबिलिटी है। क्या वजह लगती है सर, क्या हो सकता है? ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या हुआ है क्या नहीं है, ये तो देख के पता चल सकता वहाँ पे जाके जिसके साथ हो रहा है क्या है, लेकिन वैक्सीन की वजह से ऐसी कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। लोगों का कहना है कि 12 जिन लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाई उसके बाद ऐसा हो रहा है। देखिए अभी 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है, तो अभी ही ये आया है, तो मैं यही कहूँगा कि ये इससे रिलेटेड नहीं है। क्या लगता है वैक्सीनेशन के बाद इस तरह का कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सुरक्षित है पूरी तरह? हाँ, वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। एडवर्स इवेंट्स देखे जाते हैं वैक्सीन के बाद जो नॉन है, वो भी मैं यहाँ कहूँ कि हमारे कठुआ में बिल्कुल नील के बराबर ही देखे गए हैं जो एडवर्स इवेंट्स हैं। कठुआ वासियों से मैं एक ही बात कहूँगा, ये वैक्सीन लगाएं, सेफ़ वैक्सीन है, इस किस्म की अफवाहों पे मत जाए कि इससे ये चीज़ हो सकती है वो चीज़ हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल सुरक्षित वैक्सीन है। और हमारे डाटा जो है वो भी ये बताता है, क्योंकि हमारे यहाँ एडवर्स इवेंट्स बिल्कुल नील के बराबर रही है। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।